चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, एज वी ऑल नो कि फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी लिपस्टिक्स जिनको आप फेस्टिव में या फिर वेडिंग सीजन में इजीली लगा सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता कि कौन सा शेड लें, लगाने के बाद वो कैसा लगेगा, कितना ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं है, क्वालिटी कैसी है। सो यस, न्यूड शेड हम इस वीडियो में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यार फेस्टिवल में और वेडिंग में हम न्यूड शेड नहीं लगाते हैं। मतलब एक दो मैं आपको बताऊंगी जो मतलब न्यूड भी है बट वो प्रॉपर किसी भी आउटफिट के साथ अच्छे लगेंगे, मतलब पार्टी वियर या वेडिंग फेस्टिवल में इजीली आप उनको लगा सकते हो। सो या मेक श्योर कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यस गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे अमेजोन से मैंने बाय किए हैं, तो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे। चलिए फटाफट से मैं आपको हैंड स्वेचेस भी करके दिखाऊंगी एंड अप्लाई भी करके दिखाऊंगी कि लगाने के बाद पर्टिकुलर उनका लुक कैसा आता है। सो या विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो या दिस इज माई फर्स्ट शेड फ्रॉम ब्रांड स्विस ब्यूटी एंड आई एम इन द शेड 04 हॉट चेरी। काफ़ी प्रिटी सा लाइक रेड एंड मरून के टच में ये शेड है। प्रॉपरली रेड भी नहीं है और मरून भी नहीं है। सो अगर आपका इंडियन स्किन टोन है तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा, और फेयर स्किन टोन पे तो यार अच्छा लगना ही है। सो फॉर्मूला इसका एकदम बटरी है, लाइक जो क्रीमी मैट टच फिनिश होती है वैसा इसका फॉर्मूला है, बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे नहीं है। 3 to 4 आवर्स तक लिप्स पे ईजिली स्टे करेगा। एज प्राइज भी बहुत ज़्यादा नहीं है गाइज, नॉर्मल प्राइस में काफ़ी प्रिटी शेड है ये। एंड जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक से एंड आई एम इन द शेड 05 सैस। सो बेसिकली दिस इज़ द प्योर मेजेंटा पिंक कलर जो हर एक लड़की का फेवरेट होता है। इनफैक्ट सारे आउटफिट्स के साथ, सारे फंक्शंस के साथ बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग कोई लिपस्टिक ढूंढ रहे हो तो यू मस्ट गो फॉर दिस, लाइक काफ़ी अच्छा शेड है और एकदम पिंक में भी ना बहुत प्यारा सा पिंक है ये। लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है और एकदम लाइट वेट है, लिप्स पे लगता भी नहीं है कि आपने कुछ लगाया हुआ है, और लॉन्ग लास्टिंग तो है ही है। So yeah, and नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम ब्रांड मामाअर्थ एंड आई एम इन द शेड 02 प्लम पंच। एंड मामाअर्थ की लिपस्टिक का फॉर्मूला यार अमेजिंग, मतलब मैं क्या बोलूँ, लॉन्ग स्टे रहता है, एकदम क्रीमी मैट फिनिश है, लाइट वेट है लिप्स पे, और ये जो पर्टिकुलर शेड है ना ये तो मेरा फेवरेट है। हर एक आउटफिट के साथ, हर एक फंक्शन में बहुत अच्छा लगता है। सो या नॉर्मल प्राइस में अच्छे फॉर्मूले वाली लिपस्टिक आपको चाहिए ना, तो यू मस्ट गो फॉर दिस। एंड नेक्स्ट इज़ फ्रॉम ब्रांड मेबलिन एंड दिस इज़ द मेबलिन सुपर स्टे इंक क्रेयॉन। सो बेसिकली मेबलिन की ये जो रेंज है ना इंक क्रेयॉन, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, 7 से 8 घंटे स्टे पावर रखती है। एंड सी द कलर, लाइक बहुत प्यारा सा पिंक कलर है जो फेस्टिव में यार लगाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आप दिन भर भी सिंपल सा मेकअप करके भी इस तरह के शेड लगाते हो ना तो लुक एकदम अच्छा आ जाता है। सो बेसिकली लाइक 7 to 8 आवर्स तक स्टे करेगी, कुछ भी आप खा रहे हो पी रहे हो ईजिली नहीं निकलती है। नेक्स्ट जो है वो है अगेन शुगर कॉस्मेटिक से एंड ये है शेड 10 चेरी डार्लिंग। एंड लिटरली इट्स अ डार्लिंग कलर। अगर मैक रूबी वू की आप ड्यूब ढूंढ रहे हो कम प्राइस में, सो दिस इज़ द परफेक्ट शेड। लाइक बहुत अच्छा फॉर्मूला है एंड आई लव शुगर के क्रेयॉन्स। मेरे पास कम से कम 7 से 8 क्रेयॉन्स है, बट फेस्टिव के अकॉर्डिंग ये कलर बहुत प्यारा है एंड फार्मूला बहुत अच्छा है। स्टे पावर भी शुगर क्रेयॉन्स की काफ़ी अच्छी आती है, एक बार ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। एंड ये कलर यार बहुत प्रिटी है। एंड जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है ब्रांड मेबलिन से एंड ये है सुपर स्टे मैट इंक। सो बेसिकली बहुत प्रिटी सा, ना पिंक है, ना रेड है, ना मरून है, मॉव पिंक कलर जिसको बोल सकते हैं वैसा कुछ इसका शेड है। काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक आप नॉर्मली सूट वगैरह भी कैरी कर रहे हो तो भी आप इसको पहन सकते हो, लाइक लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर है। सो यस, लॉन्ग स्टे पावर इसकी काफ़ी अच्छी है। मेबलिन के जो लिक्विड लिपस्टिक है ना, इनको आप माइसेलर वाटर के थ्रू भी निकालोगे ना तो ईजिली नहीं निकल के जाती है, इतना ज़्यादा ये लॉन्ग स्टे रहती है। एंड ये है ब्रांड किरो ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक जो कि बटरी फॉर्मूला के साथ आती है। थोड़ा सा ग्लॉसी लुक है इसका, सो दिस इज़ द फुल्ली पार्टी वियर एंड ब्राउन टच में है। सो काफ़ी लोग होते हैं जिनको रेड एंड पिंक लगाना नहीं पसंद है, उनको थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर चाहिए, तो उन लोगों के लिए ऑप्शन बहुत प्रिटी है। फॉर्मूला आप देखो, लगाने के बाद एकदम ग्लो आ जाता है फेस पे। यस, थोड़ा सा लॉन्ग स्टे पावर मुझे इसकी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, 2 से 3 घंटे ही लिप्स पे स्टे करेगी, बट फुल्ली पार्टी वियर हम इसको बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ अगेन फ्रॉम ब्रांड शुगर। लिटरली आई लव शुगर की लिपस्टिक, कोई भी रेंज, किसी भी रेंज की हो, सारे मेरे पास है और सब अच्छे लगते हैं। तो ये मीनो वाला लिपस्टिक है शुगर का। सो दिस इज़ द प्योर मेजेंटा पिंक कलर। सो अगर आपको थोड़ा सा ग्लोसी टाइप का पिंक कलर चाहिए जो कि हर एक आउटफिट के साथ अच्छा लगे, और नो मेकअप मेकअप लुक अगर आप कर रहे हो ना तो इस तरह की लिपस्टिक आप लगाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है। सो लॉन्ग स्टे पावर इसकी भी बहुत अच्छी है। लिक्विड लिपस्टिक्स ऑलमोस्ट सारी स्टेइंग पावर के साथ आती है।
आती है. सो या एंड नेक्स्ट वन इज माई हार्ट. लिटरली आई लव दिस कलर, आई लव दिस क्रेयॉन एंड ये हैज़ 24 राशल बेरी एंड लिटरली दिस इज़ माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम ब्रांड शुगर. ये पहली मैंने लिपस्टिक ली थी और मुझे इससे प्यार हो गया था. सी द कलर, डिफरेंट कलर है एकदम और इतना अच्छा लगता है. साड़ी, सूट, लहंगे किसी के साथ भी आप लगाओ. इनफैक्ट आप वेस्टर्न कुछ पहन रहे हो तो भी आप इस कलर को लगा सकते हो. एकदम ग्लोई लुक आ जाता है फेस पे, मतलब चेंज हो जाता है पूरा फेस इसको लगाने के बाद. सो यस, अगर लिटरली लिपस्टिक आप लेना चाह रहे हो ना तो इस शेड को बिल्कुल मिस मत करना. एक बार ज़रूर से ट्राई करो इसको आप. एंड या दिस इज़ अगेन फ्रॉम ब्रांड मेबलिन सुपर स्टे मैट इंक एंड दिस इज़ द शेड 15 लवर. सो ये एकदम मॉव पिंक कलर है, लाइट पिंक सा कलर है जो कि लाइक डेली के लगाने के हिसाब से बहुत परफेक्टली जाएगा. एंड सी लाइक अगर आपने बहुत हैवी आई मेकअप किया है या हैवी मेकअप किया है तो इस तरह की लिपस्टिक्स आप लगा सकते हो. इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसको कंसिडर किया है क्योंकि काफ़ी लोगों को ना एकदम न्यूड चाहिए होता है, डिफरेंट कलर चाहिए होता है. सो दिस इज़ परफेक्टली डिफरेंट कलर. गाइस ये थे कुछ मेरे फेवरेट शेड्स जो मैं फेस्टिवल में एंड वेडिंग में लाइक जो भी पार्टी वाला फंक्शन होता है ना उसमें अप्लाई करती हूँ. सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. फिर भी कोई डाउट है, कोई शेड समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख के बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर जाके चेक किया होगा आपने तो आपको वहां पे आपको प्रॉपरली नेम के साथ सारे लिंक्स दिए हुए हैं तो शेड्स आपको वैसे समझ में आ जाएंगे. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर से कीजिएगा एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.